देंगे। कमाई से अपने घरों को चलाने वाले हमारे घरों का चूल्हा बंद करना चाहते हैं। मैं ऐसे हुक्मरान होते करने और जोश और जज्बात से लान तान करने वाले ये थे सकर घंटा घर और उसके अतराफ के ताजिर, जो किराए बढ़ाए जाने के मामले पर बेचैन और बेसुकून होकर दोबारा सड़कों पर आ गए। अगर तुमने किसी मीटिंग की है, मशवरा किया है, या मेरी गर्दन साफ कर दो। सखर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तजवीज़ पर सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की दुकानों, मकानों, फ्लैट्स, ओपन स्पेसेस, दफातर, स्कूल और दीगर अमलाक के मुतालिक ऑक्शन के फैसले को मुलतवी करके दुकानों के किराए असर नो मुकर्रर करने का फैसला देकर गेंद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की कोर्ट में दे दी। अदालती फैसले पर खूब जश्न मनाया गया, मिठाइयाँ भी बांटी गईं, क्योंकि ताजिर बरादरी पुर उम्मीद थी कि सखर शहर के पावर कॉरिडोर के हामिल घराने शेख हाउस के ज़ेर तवा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन शेख हाउस की तजवीज़ पर कम से कम किराए मुकर्रर करेगी। मामला अदालत से निकल कर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास आया, अजलास शुरू हुए, तजावीज़ आने लगीं और बिलआखिर 400-500 सिफात पर मबनी किरायों की वो लिस्ट अदालत में पेश करके किराए बढ़ाने का फैसला लिया गया, जिसकी तवक्को शायद खुद अदालत आलिया को भी न थी। अदालत ने किरायों में फरवरी महीने से इजाफे का ऐलान करते हुए फैसला कबूल न करने वाले ताजरों की दुकान की नीलामी का वाज़ह हुक्म देकर केस खारिज करके ताजरों को दोबारा सड़कों पर ला खड़ा कर दिया। ताजरों के मुताबिक धोखाधही के साथ अदालत को गुमराह करके फैसला लिया गया है, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। आज से कुछ अर्सा पहले बददियानती करके म्यूनसिपल कमिश्नर, म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने और म्यूनसिपल की इंतजामिया ने एक गलत फैसला अदालत से करवाया था और अदालतदारी ने हमारी सुनकर उसके ऊपर एक कमेटी कायम करने का फैसला किया था। उस कमेटी के अंदर म्यूनसिपल कमिश्नर ने और म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने फिर से बदनामी करके हमारे जो दस्तखत थे, जो हमारे दस्तखत थे अप्रूवल शीट के ऊपर ले लिए गए, जो कि हाजिरी के दस्तखत थे, हाजिरी के दस्तखत को अप्रूवल शीट लगा दिया गया और अदालत को फिर से गुमराह करके हमारे किरायों को 4 से 4.5 लाख बढ़ा दिया गया। हम इस चीज को सरासर जो है इसका इनकार करते हैं और इसके खिलाफ हम अपने एहतजाज का दायरा जो है और वसी करेंगे और हम आगे सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। हज़ारहा गुना बढ़ाए जाने वाले किरायों पर सरापा एहतजाज बनी हुई ताजिर बिरादरी से इजहार यकजहती करते हुए सियासी और समाजी शख्सियत मुर्तजा घांगरों ने भी एडमिनिस्ट्रेटर पर खूब हाथ साफ किए और उन्हें हटाने का मुतालबा कर दिया। इनको पहले भी मुतनबा किया था कि उसकी वजह से हमारे शहर की जो तबाही हो रही है, हम ये चाहते हैं कि इसको फौरी तौर पर यहाँ से निकाला जाए और इसको अपने घर भेजा जाए। क्यों? लेकिन मैंने अपनी क्यादत को भी 2 दिन पहले मुतनबा किया था कि अगर इस तरह की रवशें शहर में रखी जाएगी तो ये उनसे नहीं समझा जाएगा, ये आपसे समझा जाएगा। मैं आज आप साथियों की तवज्जो से अपने कायद मोहतरम बिलाल भुट्टो जरदारी साहब से अपील करता हूँ, भाई खुर्शीद शाह साहब से भी अपील करता हूँ कि फौरी तौर पर इस डिक्टेटर को यहाँ से हटाएं, जिसने हमारी यूनियन कमेटी को खराब कर दिया, शहर का बेड़ा गर्क कर दिया इसने। ताजिर बरादरी का पुरजोर एहतजाज अपनी जगह, मगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने अदालती फैसले पर मनोहन अमल दरामद कराते हुए फैसला मंजूर न करने वाले ताजरों की नीलामी का फैसला कर लिया है। एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन निसार मेमन की हालिया जारी होने वाले बयान में वाजे तौर पर कहा गया है कि ताजिर बरादरी का एहतजाज गैर ज़रूरी है, ताजरों को फैसला मंजूर करना होगा, बसूरत दीगर अदालती अहकाम पर अमल दरामद कराते हुए नीलामी का फैसला किया जाएगा। ताजरों और म्यूनसिपल इंतजामिया के दरमियान जारी कशीदगी कहाँ दंग लेगी ये कहना कबल अज़ वक्त है, मगर अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियाँ गाने की आमली शक्कर ताजरों के साथ सखर में होने वाली गेम की सूरत में वाज़े तौर पर नज़र आने लगी है।